हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह के बज रहे 10। आज मैं अपनी मॉर्निंग की जो रूटीन होते हैं वो शेयर करूंगी आप लोग के साथ। बच्चों को स्कूल भेजने वाला रूटीन नहीं है ये। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं क्या करती हूँ वो रूटीन है मेरा, ये वो डेली का है, यही ऐसा ही मैं डेली करती हूँ। जैसे कि बच्चे 6:30 बजे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, फिर बर्तन थोड़ा सा रहता है कि जो बच्चे नाश्ता करके गए रहते हैं और जो मैं उनके टिफ़िन में बनाई रहती हूँ वो सारे बर्तन रहते हैं साफ़ करने के बाद नहा लेती हूँ, फिर पूजा कर लेती हूँ, फिर चाय बना के पी लेती हूँ। उसके बाद का ये काम है, जैसे कि 10:30 बजे या कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी कभी 10 बजे भी, कभी 9 बजे ही मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी कट करना भी मुझे बहुत गंदा लगता है कि इतना चुन चुन के सब्ज़ी को कट करो फिर बनाओ। बाकी चीज़ तो ठीक है पर सब्ज़ी कट करने में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और अगर अरवी हो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता अरवी कट करने में। उसको छीलो फिर उसको काटो, जब उसे काटने जाती हूँ ना तो पूरा वो अच्छे से कटता नहीं है, फिसलता है हाथों से। फ्रिज में रख दिया था तो वो और पानी छोड़ के फिसल रहा था मेरे हाथों से। बड़ी मुश्किल से अरवी मैंने कट किया है। तो अभी देखिए दाल जो है मेरा बन चुका था और दाल में मैं तड़का लगा देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है सब्जी बनाने के लिए। तो अभी मैंने जो करछुल है ना उसमें लहसुन डाल दिया है, तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और साबुत एक मिर्च, लाल मिर्च खड़ी डाल के, सिंपल सी दाल है, दाल फ्राई नहीं है ये, सिंपल सा दाल जो है डेली मैं यही बनाती हूँ, कभी कभी फ्राई कर लेती हूँ, मूड के ऊपर है। और सोच रही थी कि आप लोग के साथ कभी मैं बच्चों को स्कूल भेजने तक का, सुबह से उठ के बच्चों को स्कूल भेजने तक का रूटीन शेयर करूं, तो जल्द ही आप लोग से वो रूटीन भी मैं शेयर करूंगी। तभी देखिए दाल जो है वो तड़के के लिए तैयार है और कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। कढ़ाई इसमें सुबह मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बनाया था तो उसको धुल के मैंने कढ़ाई पर चढ़ा दिया है। तो अभी लगा देती हूँ दाल में तड़का और फिर आपको दिखाती हूँ कि दाल कैसी बनी है। आज छवि को जो है वो दाल नहीं पसंद है फिर भी मैं उसे दे देती हूँ तो मैंने थोड़ा कम ही दाल आज डाला है। तो अभी देखिए दाल में तड़का लग गया है और मैंने सब्जी में क्या क्या कट किया है। प्याज, हरी मिर्च और लहसुन एक साइड में कट कर लिया है और अरवी को कुछ इस तरह से मैंने कट किया है लंबे लंबे साइज का। आप चाहे जैसा काट लो, गोल में काट लो, चाहे जैसा जैसा आपका मर्जी हो आप उस आकार में अरवी को काट लीजिए। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, तेल गर्म हो गया तो मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। मेथी दाना का कलर जब थोड़ा सा चेंज हो गया था तो मैंने इसमें प्याज, कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, लहसुन डाल दिया है और इसे हमें पूरा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है, उसके बाद अरवी डाल दूंगी। क्योंकि अगर मैं प्याज को पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी ना तो अरवी जब तक भूनूंगी तब तक प्याज का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो मैं थोड़ा ही जो प्याज है भूनता है तभी मैं अरवी डाल देती हूँ। और फिर मैंने डाल दिया है मसाले, रूटीन के मसाले हैं जैसा कि हल्दी, नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखा नहीं होता है ये। तो इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने कवर कर दिया है कि, और इसका जो फ्लेम है ना वो मैंने लो कर दिया है बिल्कुल लो, कि अरवी जो है अच्छे से गल जाए। वैसे अरवी अच्छे से गलती नहीं है, अगर आप हाई फ्लेम पे बनाओगे तो सब्जी जल भी जाएगी और अरवी जो है वो पकेगी भी नहीं। तो मैं इसे लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो पे ही भूनती हूँ। तो अभी देखिए कितनी करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी अरवी तैयार है। भुजिया मेरी रेडी हो गई है, दाल भी रेडी है, बस मुझे चावल बनाना है। अब बच्चों के टिफ़िन के लिए जब रोटी बनाती हूँ तभी मैं रोटी बना लेती हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी, रोटी मैं दोबारा नहीं बनाती हूँ। फिर आ जाती हूँ मैं चटनी पीसने के लिए। आज टमाटर की चटनी पीस रही हूँ। ये सिलबट्टी की चटनी मैं डेली लगाती हूँ, कभी कभी बस भूख आलस आ जाता है तो मैं नहीं लगाती हूँ, वरना डेली मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड को पसंद है। गर्मियों में आलू वगैरह जो है वो मीठे मीठे आते हैं तो चटनी डेली लगा देती हूँ कि खाने में थोड़ा चटपटा स्वाद हो जाए। और अभी देखिए छवि आ गई है स्कूल से, आ गई, बैग इतना भारी है। चलो ठीक है, कपड़ा निकालो, गर्मी खूब हो रहा है ना। भैया का तबीयत सही नहीं था इसलिए नहीं गया है। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। और अभी छवि स्कूल से आ गई है, लंच मैंने तैयार कर दिया है, दाल चावल रोटी सब्जी। आज मैंने सब्जी में अरवी की सब्जी बनाई है और सिल की चटनी है। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं, वो नहाने गए हैं,
गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो जब भी डेली वो लोग स्कूल से आते हैं तो एक बार फिर से नहाते हैं, स्कूल जाते वक्त भी एक बार नहा लेते हैं, आने के बाद भी नहा लेते हैं। और अभी मैंने मशीन ऑन किया था पानी वाला, तो ठंडा ठंडा पानी आया है, तो बोल रहे हैं कि मैं नहा के आ रहा हूँ, बच्चे आ जाएंगे तो उनके लिए मैं लंच लगा दूँगी, फिर वो लंच कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर वो रेस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, छवि का आई कार्ड जो है छवि ने तोड़ दिया है, तो इसी को मैं फिर से बना रही हूँ ताकि स्कूल में पहन के जा सके। हाँ ऐसे ही, तो कुछ इस तरह से बच्चे ऐसा ऐसा काम करते हैं कि हम लोग को एक्स्ट्रा जो है दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे क्या करें। यहाँ पे जो पिन इसको लॉक कर रहा था वो पिन देखिए यहाँ पे है, और यहाँ का पिन छवि ने तोड़ दिया है। इतना मस्ती ये करती है, तो मैंने इस कुछ इस तरह से इसका जो आई कार्ड है उसे बना दिया है। ये देखिए डायरी में क्या क्या मिला है, आज लेसन टू का लर्न करना है, और क्वेश्चन सेवन का क्या करते, क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, हिंदी का क्वेश्चन आंसर लिख दी हो आज, और मैथ का करना है। चलो ठीक है, पहले खाना खा लो, उसके बाद सीखे। चलो अपना ये रोल मैथ में क्या मिला है, फेयर कॉपी पे 5.6 करना है, और और अभी मैं बच्चों का लंच जो है निकाल देती हूँ, बच्चे लंच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपना पूरा सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, मेरे 900 सब्सक्राइबर हैं पर कोई पूरा फुल वॉच नहीं करता है। अगर आप एक वीडियो भी मेरा फुल वॉच कर लोगे तो हमें बहुत हेल्प होगी, हमारा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना चैनल मोनेटाइज के लिए मतलब अप्लाई करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मैं एक वीडियो बस 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है, तो प्लीज़ इसे देख लिया करिए आप लोग, 10 मिनट तो यूं ही बीत जाते हैं पता नहीं लगता है, तो प्लीज़ इसे देख लिया करिए। और वीडियो अगर पसंद आ गया तो उसको लाइक ज़रूर किया करिए, अगर आप लाइक कर देते हो तो हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है, हमें होता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है, लाइक आ रहे हैं, और लाइक नहीं आते हैं तो पूरा डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर में, जहाँ जहाँ भी आप लोग के मतलब रिलेशन वाले रहते हैं वहाँ वहाँ प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोग से बहुत मतलब बहुत उम्मीद मैं लगाई हूँ आप लोग से। दोबारा मेरा यूट्यूब पर आने का मकसद यही है कि हो सकता है इस बार मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो देखिए अभी बच्चे जो हैं वो खाना खा रहे हैं, फिर मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग एक साथ खा लेंगे। मुझे दवाई भी लेनी है, लेकिन आज लेट हो गया है थोड़ा, दो या ढाई बज रहा था आज मुझे खाना खाने, मतलब सभी को खाना खाने में बहुत लेट हो गया, बच्चे तो टाइम से ही खाए थे पर हस्बैंड को और मुझे खाना खाने में काफ़ी लेट हो गया था। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का है, जल्द ही दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जिन लोगों ने मेरा ये पूरा वीडियो वॉच किया है उनको दिल से थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू फ्रेंड्स।